नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि वालों, दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं ने दे दिए हैं संकेत अब आपके जीवन काल में अगले 7 दिनों के अंदर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 7 दिनों के अंदर जो भी आपकी 7 घटनाएं होने वाली हैं वो बहुत ही अच्छी घटनाएं होने वाली है। जी दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल में वे सभी खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाली है जिनके लिए आप पिछले समय बहुत ही ज़्यादा ललायित हो चुके थे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश मंत्राल में ये ग्रहों की स्थिति आपके जीवन काल में कुछ ऐसे होंगी, इनसे आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, इज्जत पर प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होने वाली है और आपके कार्य क्षेत्र में भी अनोखा लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों इन समयांतराल में अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ग्रहों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं, कुछ ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग का निर्माण होने वाले हैं जो कि आपके लिए और आपकी कुंडली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और इनका सीधा लाभ आपको यह समयांतराल में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि यह समयांतराल में इन सभी के बावजूद भी आपको 2 कार्य को करने से बचने होंगे। जी दोस्तों, यह 2 कार्य आप सभी के जीवन शैली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो इन्हें आप बिल्कुल ही ना कीजिएगा। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध बस यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। जी दोस्तों, क्योंकि वीडियो के मध्य में बताई गई हर एक छोटी सी सावधानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखेगा, गुरुजी का और भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, क्योंकि दोस्तों कहीं से यश में रुका हुआ पेशा भी आपको मिल सकता है। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी आपका समय व्यतीत होगा। रिश्तों में भी और अधिक तुम्हें नजदीकियाँ आने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कुछ नए संपर्क भी यश में स्थापित होने वाले हैं, परंतु आपको बता दें कि यश में अनजान व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय आपको सावधानी भी रखने की जरूरत होगी। दोस्तों किसी भी पर यश में आपको जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले अपने सोच विचार करना चाहिए, उन पर रिसर्च करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों संतान की पढ़ाई के प्रति लापरवाही देखकर आपको चिंता भी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके अटके हुए काम यश में धीरे धीरे गति की ओर बढ़ेंगे। फिर भी दोस्तों संयम की कमी के कारण सकारात्मक बातों की तरफ भी आपका रवैया जो है नकारात्मक ही रहेगा। इसलिए दोस्तों यश में आप कोशिश करें कि अपने नकारात्मक रवैये को दूर करके सकारात्मक दृष्टि से सभी कार्यों को देखें। इसके साथ ही दोस्तों यश में यात्रा से संबंधित निर्णय आपके द्वारा लिए भी जाएंगे। महत्वपूर्ण काम संबंधी यात्रा जल्दी ही हो सकती है, ये यात्रा भी आपका सफल रहेगा और आपके लिए नई अनुबंध भी आपको दिलाने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कोई रुका हुआ या फिर अटका हुआ काम भी यश में आपका पूरा हो सकता है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके भाग्य को यश में मजबूत बनाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपके आसपास का वातावरण जो है यश में खुशनुमा रहेगा तथा अपने परिवारजनों के साथ बैठकर दुख सुख साझा भी यश में आप करने वाले हैं। इनसे दोस्तों आपको आत्मिक खुशी की भी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यश में आप जरूर इनसे शेयर करें, आपके लिए बेहतर होंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि किसी काम में रुकावट भी आ सकती है, तो दोस्तों इसका कारण अपने अनुभव में कमी को न माने, क्योंकि दोस्तों समय कुछ ऐसा है कि आपको यशमीन का सामना करना पड़ेगा। कुछ समय चिंतन और मनन में भी अवश्य लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों घर में यदा कदा छोटी छोटी बातों को लेकर कोई बहस स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों छोटी मोटी बातों को इसमें आपको नज़रअंदाज करना चाहिए, ये आपके रिश्तों के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों इस समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी, उनके साथ मिले मार्गदर्शन को नज़रअंदाज ना करें। भले ही दोस्तों निर्णय आप अपने मन से ही लें, लेकिन दोस्तों द्वारा दिए गए सुझाव पर सोचने की आपको आवश्यकता होगी।
परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण कार्य के लिए योग्य मार्गदर्शन भी आपको इसमें प्राप्त हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होगी, आपको बता दें कि परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा, घर के कई रुके हुए कार्य भी इसमें पूरे समय पर हो जाएंगे और इनमें आपका विशेष सहयोग भी रहेगा। प्रॉपर्टी के किसी काम को लेकर कोई नजदीकी यात्रा का प्लान भी बनेगा जो कि दोस्तों आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। परंतु दोस्तों कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनके बारे में पूरी रूपरेखा आप अवश्य बना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि युवा वर्ग का अपने करियर को लेकर कोई गलत निर्णय भी हो सकता है, इसलिए यश में आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मन स्थिति पर आपको नियंत्रण रखना यश में जरूरी होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए समय होंगे कम समय में अधिक काम को खत्म करने के लिए आपको द्वारा प्रयत्न भी किए जा सकते हैं। परिवार के बीच हो रहे वाद विवादों को दूर करने की आप कोशिश करते रहें। माता पिता के साथ ठीक से संवाद करने की आपको इसमें कोशिश करनी चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके प्राप्त दोस्तों यशमी आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि फोन द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना भी आपको प्राप्त होगी। राजनीति अथवा सामाजिक कार्यों में जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा जो कि आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। किसी पुराने मित्रों की अचानक से मुलाकात भी आपके पुराने यादों को भी यशमी ताज़ा करने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सिरस श्रष्टा आदि जैसे वृक्ष वाली प्रवृत्तियों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए कुछ नुकसान की स्थितियाँ बन रही है। वाहन चलाते समय भी आपको अत्यधिक सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों यश में किसी भी गैर कानूनी कामों में इसमें रुचि ना लें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने की आपकी जिद और उत्साह भी बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यश में खुद के प्रति आ रही जागरूकता की वजह से किसके साथ कैसे संबंध बनाए रखनी है यह बात का आपको पता चलेगा। आपके अंदर आ रहे बदलाव थोड़ा डर भी पैदा कर सकते हैं, फिर भी दोस्तों आपको यश में खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर को लेकर बात की, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों ये जो समय है आपके व्यवसाय के लिए किसी भी व्यवसायिक कार्य में अपने पेपर अथवा फाइलों को पूरी तरह व्यवस्थित रखें। कोई भी हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों धोखाधड़ी की संभावना भी बन सकती है। ये जो समय है आपके लिए कोई कार्यवाही संबंधी योजना लंबित हो सकती है। नौकरी में भी ऑफिस का काम बनेगा जिससे आपका सुकून भरा माहौल भी रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी अथवा कर्मचारियों से भी चल रहा पुराना मतभेद यश में दूर होगा तथा व्यवसाय की स्थिति भी यश में बेहतर होगी। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, किसी नए काम पर निवेश करने के लिए जो समय है यश में उत्तम समय होगा। साझेदार संबंधी व्यवसाय में भी यश में मुनाफे की स्थिति बन रही है, तो दोस्तों ये जो समय है आपके करियर के लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में हर काम में बड़ी जो है संजीदगी और गंभीरता से आपको करना चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय में भी कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण कार्य भी यश में संपन्न हो सकते हैं, परंतु दोस्तों नौकरी पेशा लोग यश में सावधान रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काम का दबाव बना रहेगा, परंतु आप गंभीरता व फिर हिम्मत द्वारा उसे पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक कार्यों में बेहतर तालमेल बनाकर रखें। छोटी मोटी गलतियां सामने आएंगी, परंतु उसे अपनी सीख मानकर आप आगे बढ़ें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अचानक किसी मित्र के मिलने से मन में उमंग और खुशी का माहौल रहेगा, खुशी यश में आप महसूस करने वाले हैं। तो आए दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण टोटके के बारे में। दोस्तों अगर आपको किसी कारणवश कोई कार्य अपनी इच्छा के विपरीत करना पड़ रहा हो, तो दोस्तों आप कपूर और एक फूल वाली लौंग एक साथ जलाकर दो तीन दिन में थोड़ी थोड़ी खा लें। आपकी इच्छा के विपरीत जो भी कार्य है वह बंद हो जाएंगे और आपकी इच्छा के अनुसार कार्य आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि आप जो है घर की पूर्व या फिर उत्तर दिशा में मंदिर बनवाएं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि घर का जो मंदिर है और रसोई के साथ साथ न हो। घर में जो है भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार को प्रभु को पीली मिठाई का भोग लगाएं। इसे दोस्तों आपके घर में कभी भी
धन की कमी नहीं रहेगी, धन से जुड़े सभी समस्याओं का अंत होगा और घर में लाभ होते रहेंगे। तो दोस्तों इन उपायों को आप जरूर करें, ये बहुत ही लाभकारी उपाय है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।